थोड़ा उधर काटेंगे सारा जी चार लाने भर दो पूरी ये बूटे इधर पड़े हुए हैं ओ छोटू वो उधर चाप कटी ना चाप कटी ना ये इधर है प्लांट यार ये इधर वो इधर रखा इधर रखा ना ना खास में अल्लाह तेरी रजा के लिए हम शजर कार्य करें हमारे डिवीजन के इज्जत करो हमारे डीएफ साहब की इज्जत करो क्या है टेक्निकल कहां गया ये इधर है पीछे आते हो मोंजी एक मिनट एक मिनट तू नहीं नहीं ये तो 2001 में निकाले गए थे ना आफ्टर बैन थे आफ्टर जो प्री बैन थे वो तो अभी डेली वेजर अभी काम कर रहे हैं ना थोड़ा दूर से रखो पीछे 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 रखो मुंह सारे तू भी उधर चले खोटू और वो उधर ओए यार मेरे हो गए यार क्या सर्विस सर गिला बंगड़े इधर बेगम है मैं सरपंच कंगा से हूँ। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ डीएफओ साहब का और जो यहाँ का आज प्रोग्राम रखा गया है जिनके लिए, क्योंकि सबसे पहले तो यही बात है कि हर गांव हरियाली का रखा गया है, तो मैं भी यही चाहती हूँ और सब जितने आए हुए यहाँ मेहमान हैं उनके लिए मैं बोलती हूँ जो उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के वो यहाँ आए और पेड़ लगाने के लिए हमारे साथ रहे और बहुत से पेड़ लगाए हमने, क्योंकि हम सोचते हैं कि हर गांव में हरियाली हो। तो इसीलिए हम यही चाहते हैं कि हर गांव में हरियाली होने का मतलब ये नहीं है कि गांव हरियाली खुद ब खुद हो जाए। मैं सोचती हूँ वो जितने आए हुए इधर मेहमान हैं वो हर घर जाकर बोलें कि हर जगह पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ों से ही हमें बहुत सा सुकून मिल सकता है और कहीं जगह ऐसी है जहाँ पेड़ है ही नहीं। और उसमें कुछ ऐसी बात है कि पेड़ जिस जगह होते ही नहीं है वहाँ बहुत से लोग जो ऐसे हैं बहुत सी परेशानियाँ महफूज हो सकते हैं। और उनमें हम यही चाहते हैं कि डीएफओ साहब जो हैं वो आए हुए हैं इधर हमारे साथ, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि बाकी हमारे आए हुए मेहमान जो जेंग साहब हैं वो भी बाकी साहब हैं और हमारे जो और मुलाजिम हैं उनकी भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आज आए यहाँ हमारी कंगा पंचायत में। हम भी सीए सारे गाँव को मैं यही बोलती हूँ कि हर गाँव में हरियाली करो क्योंकि पेड़ लगाओ ये भी अच्छा रहेगा। और मैं डीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने और डीएफओ साहब ने जो मिलकर ये स्कीम लागू की, हम इनका तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसलिए मैं आज सबसे फिर दोबारा एक बार फिर से बोलती हूँ कि शुक्रिया अदा मैं करती हूँ इन दिल से, क्योंकि हर बार ये नहीं है कि पेड़ लगाए तो छोड़ दिया और उसको पानी दो,
पानी दो, पानी दे के ही पेड़ ज़्यादा अच्छा हो सकता है। पानी दोगे इसमें थोड़ा जो भी इसमें लगता है, जो इसमें ज़मीन देखो जहाँ ऐसे पड़ी है, अगर उसमें कोई चार पेड़ लगे वो अपना फ़ायदा है, क्योंकि पेड़ से ही हमारी जान अच्छी रहती है, क्योंकि हर पेड़ के नीचे अगर बैठो आराम सुकून मिलता है। इसीलिए मैं सबसे फिर से यही बोलती हूँ कि पेड़ लगाओ तो 1.5 लाख। कहीं ना कहीं माहौल जो है, एनवायरनमेंट हमारा ख़राब होते हुए दिख रहा है, आपको क्या लगता है ये जो हर गांव हरियाली ड्राइव चलाई गई है, इससे हरियाल होगा और माहौल में सुधार? बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। क्योंकि अगर आए हुए इतने मेहमान आए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अगर कोशिश की है तो बिल्कुल कामयाब होंगे। क्योंकि अगर ये 1.5 लाख पेड़ जो आए हैं, कम से कम भी इनमें से ज़्यादा मैं तो बोलती हूँ सारे लगने चाहिए, क्योंकि अगर इनमें पानी, अगर इनमें ज़्यादा से पानी ज़्यादा होगा तो ये पेड़ ऑलरेडी लगेंगे और खूबसूरती दिखेगी। इसलिए हम यही चीज़ सोचते हैं कि हर गांव में यही बोलो कि पेड़ लगाओ, उसमें से अपना हमें बहुत सा फ़ायदा है पेड़ों से। ये नहीं है कि पेड़ तो जला दो, कर लो, काट लो, इसमें काटने की ज़रूरत नहीं है, पेड़ लगाओ, ऑक्सीजन मिलती है हमें इसमें। आपकी पंचायत में कितने ऐसे प्लांटेशन ड्राइव हुए और कितने ज़्यादा पेड़ लगाए गए? इसमें 1.5 लाख तकरीबन डिवीज़न समझो हुई है सारी, तो उसमें से हम लगा रहे हैं सर 10 के करीब करीब।